देश भर में खूनी लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब लखनऊ से भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरी कहानी सुनिए। जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर लखनऊ में गीता को बदला हुआ नाम आपको बता रहे हैं। इसमें सुफियान नामक शख्स ने बेरहमी से मार दिया। प्रेम के जाल में फंसाकर सुफियान ने गीता का ब्रेन वॉश कर उसका धर्म बदलने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो सुफियान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सुफियान ने गीता को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गीता को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब सुफियान का पूरा काला कारनामा सुनिए। मामला लखनऊ के दुबग्गा इलाके का है। लड़की परिवार ने सुफियान पर हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन का केस दर्ज करवाया है। गीता के परिवार का आरोप है कि सुफियान उनकी बेटी का धर्म बदलना चाहता था। वो कई दिनों से उसे परेशान भी कर रहा था और साथ ही शादी के लिए दबाव भी बना रहा था। वारदात के बाद से सुफियान फरार है, उसके फ्लैट में ताला लटका है। लखनऊ पुलिस की टीम सुफियान के घर पहुंची। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी थी, जिसने घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही जहां से गीता को नीचे फेंका गया था उसकी भी जांच की गई। आपको बता दें, हाल ही में दिल्ली में सामने आए दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस ने देश को झंझोर कर रख दिया। इस केस में एक और नया खुलासा हुआ है। आपने लिविंग पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब पर इस कदर सनक सवार थी कि उसने श्रद्धा का कटा हुआ सर आखिर तक फ्रिज में सजाकर रखा हुआ था। पुलिस के पूछताछ में उसने बताया कि उसने श्रद्धा का सर अपने पास आखिरी तक रखा था और वो अक्सर उसके कटे हुए सर को फ्रिज में ध्यान से निहारता रहता था और अपनी प्यार की यादें ताजा करता था। पुलिस मंगलवार को पूरे दिन श्रद्धा का सिर ढूंढती रही, लेकिन उसे कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। दिल्ली पुलिस आफताब से श्रद्धा से जुड़े कई और सारे राज उगलवाने की कोशिश में लगी हुई है। अब तक की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उसके सर को वो और टुकड़े नहीं कर पाया था। श्रद्धा के सिर के मिलने के बाद ही उसकी बॉडी की पहचान हो पाएगी। अगर पुलिस को श्रद्धा का सिर मिल जाता है तो फिर आफताब को कोई भी फांसी के फंदे तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। लेकिन श्रद्धा के बाद लखनऊ की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या कहते हैं और उनका रिएक्शन क्या आता है, इसका इंतजार है। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।